हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पूनम। आज का हमारा टॉपिक है मात्राएं। आज हम हिंदी विषय में मात्राएं करेंगे। मात्राएं बच्चों के केजी क्लास से ही शुरू हो जाती हैं और फिर फर्स्ट में भी मात्राएं होती हैं और सेकंड क्लास में उनकी रिवीजन होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो फैक्ट जानना जरूरी है मात्राओं के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, केवल अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। ये हम बड़ों को भी और बच्चों को भी ये बात पता नहीं होती कि जो अ है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। सिर्फ स्वर, बाकी अ को छोड़ के जितने भी स्वर हैं वो व्यंजनों के ऊपर मात्राओं के रूप में लगते हैं। दूसरी है, सभी व्यंजनों में अ जोड़ कर ही पढ़ सकते हैं। जैसे क, अगर हम क को बोलेंगे तो उसके साथ अ का साउंड आएगा। ख, ग, घ, च, छ, आप इस तरह से कोई भी व्यंजन बोल के देखिए, उसके साथ अ को जोड़ के ही पढ़ा जा सकता है। अब हम मात्राएं करेंगे। सबसे पहले अ मात्राओं पे मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसका एक और पार्ट है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। र पर किस तरह से मात्राएं लगाने में बच्चे गलती करते हैं, उन सभी का वीडियोस में बना चुकी हूँ, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब ये देखिए, अ, अ की कोई मात्रा नहीं होती। ये आपसे आगे भी बड़ी क्लासेस में भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्वरम में कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो रिसेंटली हमें ये याद नहीं आता, बट अगर हम शुरू से ही बच्चों का बेस बनाते हुए उनको ये बात बता देंगे कि अ पे स्वर अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ, आ की मात्रा का इस तरह से साइन होता है, आ का डंडा बोलते हैं जिसको। ई, ई की मात्रा हमारे उल्टे हाथ के साइड लगेगी। ई, बड़ी की मात्रा हमारे राइट हैंड सीधे हाथ की तरफ लगेगी। तो जब हम इनको प्रोनाउंस, इनका उच्चारण करेंगे तो इसे ई ई नहीं करेंगे, ई छोटी को करेंगे, ई बड़ी, ई उ बड़ा, उ, री, ए, आई, ओ, औ, जो मेन मोस्टली बच्चों को ये वाली मात्राएं कराई जाती हैं। अब किस तरह से बनेगी क जमा अ, क, क जमा आ, आ का डंडा लग जाएगा तो बनेगा का, क जमा ई की, क जमा ई की, क जमा ऊ कु, क जमा ऊ कु। हम बच्चों को ये यहां से लिख के देंगे, बच्चा अपने आप इनको लिखेगा। जब आप ये वर्कशीट बनाएंगे तो आपको इस तरह की वर्कशीट बनानी पड़ेगी, और या फिर आप सिर्फ ये लिख के दे देंगे, बच्चा ये लिखेगा ये मात्रा किस किस से बनी है। क जमा री क्री, क जमा ए के, क जमा आई कई, क जमा ओ को, क जमा औ कऊ। इनको किस तरह से बोलना है ये भी मैंने आपको उसका साउंड बता दिया है। नेक्स्ट जो हम बच्चों से पता लगाएंगे, हमें ये लिख देना है, पहले हम बच्चों को ये कराएंगे, उसके बाद जब हम उनका टेस्ट लेंगे तो हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन लिखना है, बच्चा खुद लिखेगा। बोलो और लिखो, इसका जो टाइटल होता है वो ये होता है, बोलो और लिखो। के मै ल कमल, के आर कार, के ई ते आबे किताब, के इले कील, के ऊ र त आ कुर्ता, के ऊ ले रे कूलर, के री शे के कृषक, कृषक मीन्स किसान, के ए ले आ केला, के आई ले आशे कैलाश, के ओटे कोट, के औ आ कौआ। कौन कौन सी मात्राओं के चिन्ह होते हैं देखिए, अंग का जो है वो बिंदु होता है, और
अंग पे चंद्र बिंदु भी लगता है, क पे अंग का बिंदु लगेगा तो वो क, क पे चंद्र बिंदु लगेगा क, जो शब्द बनेंगे क बिंदु जमा स कंस, क चंद्र बिंदु टीला कंटीला। देखिए जो जो बिंदु का उच्चारण है वो नासिका यानी कि हमारी नाक से होता है, और चंद्र बिंदु का उच्चारण मुख यानी मुंह से और नाक दोनों से होता है। जब हम इनका उच्चारण करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब हमें इसका जो डिफरेंस है वो पता लगेगा। र में ऊ ऊ की मात्रा, इसका लिंक आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है। बच्चे क्या गलती करते हैं, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि बच्चे र पे यहाँ मात्रा लगा देते हैं जबकि र पे बीच में मात्रा लगती है। ये गलत है, ये ठीक है, बीच में मात्राएं लगती हैं, हमें इनकी बच्चों को जानकारी देनी चाहिए। र ऊ रू रुपया, र पे बड़े ऊ की दो तरह की मात्राएं लगती हैं। इनका जो डिफरेंस है, यहाँ ये बड़े ऊ की मात्रा गोल होती है और छोटे ऊ की मात्रा सिर्फ इस तरह से लगेगी। ये देखिए यहाँ पे गोल है ये, जैसे रूप में बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है तो वो गोल है, और ये छोटे ऊ की मात्रा ऐसे ही लगी हुई है, जबकि हमें डिफरेंस इनका पता नहीं होता। र बड़े ऊ की मात्रा ऊ, रूप रूप रुपया रुपया। एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बात है जो बच्चों को पता होनी चाहिए, स्वरों की मात्राएं होती हैं, सिर्फ स्वरों की मात्राएं होती हैं, व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती। अगर प्रश्न आ जाता है क्या व्यंजनों की मात्राएं होती हैं, तो हमारा उत्तर होगा नहीं, स्वरों की मात्राएं होती हैं। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, स्वर मात्रा के रूप में व्यंजन में लगाए जाते हैं। इसमें प्रश्न बनता है मात्रा के रूप में व्यंजनों पर क्या लगाए जाते हैं, उत्तर होगा स्वर। र में ऊ और ऊ की मात्रा बीच में लगाई जाती है। प्रश्न क्या बनता है, र में मात्रा कहाँ पर लगती है, उत्तर होगा बीच में लगाई जाती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरे दूसरे चैनल पे भी जा सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसका नाम है स्माइल विद पूनम। उसमें आपको मिलेंगे व्लॉग्स, रेसिपीज, प्रोडक्ट रिव्यू, मेकअप एंड मैनी मोर थिंग्स।